लोग ऐसे भी हैं जो जैसे पठान हो कहेंगे क्या बकवास करके चले गए नकवी साहब, इन्होंने कोई बात कायदे की बताई नहीं। तो मेरे लिए एक इस दरमियान में एक बात और मैं आपसे कहूँ, मैं 44 साल से हैदराबाद में हूँ लेकिन मैं बहुत कम कहीं निकल पाता हूँ। एक तो फासला, दूसरे ट्रैफिक, तीसरे मिजाज, लौट जाए, लौट आए अगर दीवार दरवाजे काबा, वरना मिला, अगर काबे का दरवाज़ा खुला नहीं है तो लौट गए। ये मिजाज जो था इसने मुझे एक अकेल खुला इंसान बना दिया है। लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ कि मैं लिखता रहा बेटा, पढ़ता रहा। बहरहाल आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप तक दुनिया जिस वक्त शुरू हुई और जब दुनिया ख़त्म होगी उन वजूहात को और उन को सरसरी तौर पर आपके सामने पेश कर दूँ इस वादे के साथ कि इसमें बेइंतहा इसरार मौजूद हैं और उनको समझने के लिए एक ख़ास तरीक़े का मिजाज चाहिए। कहते ना ये गाना जो है या ये साज़ जो है इसकी उंगलियां और इसका दिमाग ही दूसरा है। जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि या तो ये अपने अंदर ले लेता है और या आपको अपने से भगा लेता है। तो ऐसे भी जियोलॉजिस्ट हैं कि जो 40-40 साल दरवाज़ा और दीवार तक के गुजार दिए, क्यों आते थे ऑफिस, क्यों चले जाते हैं उन्हें नहीं मालूम। और ऐसे भी हैं कि जो 80-80 साल के और 90-90 साल के हो गए लेकिन वो वहीं एक कुर्सी पे बैठ के वो काम करते रहते हैं। जैसे हमारे एक डॉक्टर राधा कृष्ण हैं, डॉक्टर हरिनारायण हैं, महादेवन हैं, सब लोग जो हैं बड़ी ऊंची शख्सियतें। तो जियोलॉजी है, जियोलॉजी एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। इसके लिए फिज़िक्स भी करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स भी करनी पड़ती है, केमिस्ट्री भी करनी पड़ती है, इसके लिए आपको सर्वे भी करना पड़ता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसे किए बगैर, हासिल किए बगैर एक अच्छे जियोलॉजिस्ट आप बन सकें। इसलिए मैंने ये टॉपिक ऐसा निकाला है, सोचा है कि ये टॉपिक पर मैं आप लोगों की तवज्जो कायम रख सकूँगा कुछ मिनट तक। नेक्स्ट प्लीज़। मेरे ये कहीं लाइट बंद कर सकेंगे हम लोग कहीं से? मेरे एक भाई जिन्होंने उर्दू हाल में एक उनकी एक पेंटिंग भी है, सादकैन मरहूम, उनका ये एक उन्होंने इकबाल के एक शेर को पेंट किया है। खोल कर आँख जमी देख, फलक देख, समा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा दिए। मशरक़ से तो हर ही जगह सूरज उभरता है, ये सूरज मशरक़ से उभरता हुआ नहीं, ये इल्म का सूरज है। इकबाल आज से 70-75 साल पहले इस बात को समझते थे कि शायद कभी मशरक़ बेदार होगा और मशरक़ से इल्म के दरिया और इल्म का सूरज उठेगा। और उन्होंने उस इल्म की बुनियाद आप देखें, ज़मीन से निकलते हुए हीरे जवाहरात, फलक पे तारे, स्पेस, इस सब को उन्होंने उस वक्त में आज से 40 साल पहले पेंट किया था। मैं अपने इस तकरीर को अपने मरहूम भाई सादकैन को इज़हार अकीदत के ज़रिए पेश करता हूँ। अगली प्लीज़, आगे चलें, नेक्स्ट प्लीज़। ओ इटक गई, नहीं नहीं, हाँ क्या हो गया? हाँ, तो वो नाली जो
اقبال یا بہت سے علماء بہت سے عالموں نے یہ سوچا تھا کہ مشرق سے نکلے گی وہ نہیں چل پائی وہ نہیں نکلی یہاں پھر میں نے ایک شعر کا سہارا لیا ہے جسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں متشاعر ہوں اردو میری رگ رگ میں بسی اور میں امروہہ سے متعلق رکھتا ہوں تعلق رکھتا ہوں جہاں ایک بڑے مشہور شاعر جب آئے تھے تو ان کا محشر ذرا سنبھل کر مولد ہے مصطفی کا محشر ذرا سنبھل کر تو ہوا دنیا میں یہ کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کے اندر کے ماحول کو آوازوں کو ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا وہ پیچھے رہ گئیں اور باقی قومیں آگے نکل گئیں لوگ بہت آگے نکل گئے اسی کو یہاں نظم کیا ہے اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ یارانِ تیز گام نے منزل کو جا لیا ہم محو نالے جرس کارواں ہیں یہ جرس جو ہے یہ وہ ڈھول نہیں ہے جو کارواں کے ساتھ بجتا ہے بلکہ ہمارے درمیان کا وہ خلفشار ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا آگے چلیں پلیز نیکسٹ اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کوئی پوائنٹر اوکے کوئی بات نہیں دیکھیے یہ سب سے پہلے اوپر میں نے ایٹماسفیئر دکھایا یہ بایوسفیئر ہے جہاں کے اوپر حیوانات اور نباتات ہیں ہائیڈروسفیئر پانی ہے اور نیچے یہ پورا جیوسفیئر ہے سب سے اوپر کرسٹ نیچے مینٹل پھر یہ ہے آپ کے کور مینٹل باؤنڈری اور اس کے نیچے ہے کور یہ کور مینٹل باؤنڈری جو ہے یہ ڈی ٹو لیئر کہلاتی ہے اور اسے ہم جیولوجسٹ لوگ جو ہیں وہ بہت سے پروسیسز کا گریو یارڈ کہتے ہیں اگلی نیکسٹ چلیں پلیز یہ چاروں اسفیئر جو ہیں یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں کس طرح وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہے اگنیس راکس جو مینٹل سے پیدا ہوتی ہیں اور اگنیس راکس کے بعد یہ انٹریکٹ کرتی ہیں واٹر سے ہائیڈروسفیئر سے سیڈیمنٹری راکس بنتی ہیں یہ میگما ہے پرائمری میگما جو مینٹل میں پیدا ہوا جو میں نے پہلے آپ کو بھی دکھایا میری آواز آپ تک پہنچ رہی یہ انٹریکشن جو ہے یہ پوری دنیا کے ایولیوشن کا ذریعہ ہے اس انٹریکشن کی وجہ سے ہماری جو پروردگار کی جو سب سے بہتر نعمت محمود نے جو سب سے زیادہ چیز انسان کو عطا کی سب سے بہتر وہ ہے کرۂ ہر زمین اس کا پر جو کچھ بھی عطا کیا اس نے ہمارے وجود میں آنے سے قبل اس نے ہر چیز کو درجہ بدرجہ ہمارے لیے استوار کیا تو یہ جو ہے آپ کو میں سب کے دکھا رہا ہوں یہ سائیکل ہے پرائمری میگما سے ہائیڈروسفیئر ایٹماسفیئر کا انٹریکٹ کرنا بایوسفیئر کا ایوالو ہونا یہ سارا اس کے اندر ہے میں اس کی تفصیل میں اور نہیں جاؤں گا لیکن
ये सारी चीज़ें एक साथ थी। एटमॉस्फेयर नहीं था एक वक्त, हाइड्रोस्फीयर नहीं था एक वक्त, बायोस्फीयर नहीं था एक वक्त। सबसे पहले एक आपका गोला बना, उस आपके गोले से 4,600 मिलियन से वो जमीन बनी, जमीन के और बनने के बाद और उसकी कोर बनी, कोर के बाद मेंटल बना, मेंटल के बाद अर्थ, दैट इज प्राइमरी डिफरेंशिएशन दिखा, उसके बाद उसके ऊपर प्राइमरी डिगैसिंग जिससे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर बनने के बाद इंटरेक्शन हुआ, जो गैसेस करोसिव थी अच्छी नहीं थी वो यूज। नेक्स्ट प्लीज, यू आर स्टडिंग इट, यू टेक योर पॉइंटर। तो ये मैंने दिखाया है कि अर्थ की ये 4,600 मिलियन, लेकिन हमारे पास जो सबूत है, जो हमारे पास एविडेंस है, वो सिर्फ 4.4 मिलियन ईयर तक का, और वो है इन द फॉर्म ऑफ ए मिनरल व्हिच इज कॉल्ड जिर्कन। ये जिर्कन जो है ये साबित करता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है गन और किलवाड़ा प्रोविंसेस सुबीरे में कनाडा में, वहाँ वहाँ की ये जिर्कन डिस्कवर हुई कि हाइड्रोस्फीयर जो था ये तार नंबर है, ये निकल गया, एक बात सामने आई है कि इस तरह की जो क्रस्ट है इसका कुछ हिस्सा तो 4.4 मिलियन ईयर से मौजूद था, और अर्थ इतनी क्रिएशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, इससे फिर से 2-3 आवर्स फॉर नेक्स्ट वन। अब एक बड़ा भारी इंकलाब साइंस में आया और वो था अल्फ्रेड वेगनर का कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, कि जितने कॉन्टिनेंट्स आज आप देख रहे हैं ये अपनी इस जगह पे नहीं थे, ये कहीं और से आए थे, कहीं ब्रेकअप हुए और वहाँ आकर मिल गए डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अल्फ्रेड वेगनर का ये काम था, एलन डोटार्ट ने, फिर ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब काम, लेकिन एक काम जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने किया उनको उसको कोई मानता है, इससे पहले जो प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट एस्टैब्लिश थी, 12 साल तवातुर से मैप किया दारशा नौशीरवा उठाडिया कश्मीर में, और उन्होंने सिंटेक्सियल बैंड डिस्कवर किया, ये साबित किया कि हिंदुस्तान का जो पेनिनसुला है वो हिमालय पहाड़ के अंदर भर गया। ये एक ऐसा सबूत था कि जिसने जितने भी फिजिकल साइंटिस्ट थे, अर्थ साइंटिस्ट थे, जो ये कहते थे कि अर्थ एक जामित प्लेनेट है, अर्थ एक जामित जामित, इसमें कोई किसी किस्म की जान नहीं है, ये कोई मूव नहीं करता, करते उनके इस ख्याल को इसने गलत साबित किया, और पहली मरतबा एक ऐसा सबूत सामने आया कि अर्थ जो है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है। तो डायनेमिज्म के लिए यू नीड ए डायनेमो, डायनेमो के लिए तुम्हें एक हीट की जरूरत है, वो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। फिर ये बात सामने आई कि नहीं, कुछ अरसे पहले जो रॉक्स फॉर्म होती हैं सरफेस के ऊपर वो इस तरह अंदर घुस जाती हैं और फिर वो
वहाँ से पिघल के बाहर भी सरफेस जाए। इस फेनोमेना को मैं आपके सामने दूसरे स्लाइड में पेश करूँगा डिटेल में। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कंसेप्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस बात पे डिपेंडेंट है, थैंक यू, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस बात पे डिपेंडेंट है कि अर्थ की जो ऊपरी पगड़ी जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं वो मूव करता है कन्वेक्शन करंट्स के अलावा अंदर हीट के जरिए। जिस तरह आप एक केतली में अगर आप कुछ गर्म पानी करें तो आप देखेंगे कि उसमें से नीचे से उठ के दूसरी तरफ ये कन्वेक्शन करंट्स हैं जो वहाँ चल रहे हैं। ये कन्वेक्शन करंट जो है ऊपर के हिस्से को घुमाते रहते हैं। तो पुरानी जमीन, पुरानी लेयर, पुरानी क्रस्ट जो थी वो बराबर कंज्यूम होती रहती है कहीं, और वो एरिया थी ये जो कहलाते हैं मुझे अभी तक ये अंदाजा नहीं है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जब मैं जवान था तो काफी चिल्ला के बोल लिया करता था। तो ये बात सामने आई कि भाई इस तरह के सबडक्शन हो डेवलप होते हैं। अब ये दूसरी बात दूसरी है कि जैसे जैसे हर दीवार हुई ये एंगल बदलता रहा, ये चेंज होता रहा, ये क्या होता रहा, ये चीज है, ये डिटेल सी बात है। लेकिन ये जरूर है कि एक डायनेमो था जिसके ऊपर अर्थ की ऊपरी लेयर लिथोस्फीयर मूव करती थी, सबट्रैक्ट होती थी, अंदर जाती थी, पिघलती थी, मेल्ट होती थी, फिर ऊपर आती थी। ये बात एक बड़ा भारी डिस्कवरी हुई और इसे हम लोग मेंटल डायनेमिक्स के नाम से बहुत एक बड़ा भारी चक्कर। नेक्स्ट इसका एक अंजाम जो होता है वो आप देखते हैं वोल्केनोस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे शिक्षा। आप ये देखिए कि ये एक समंदर में वोल्केनो अरेस्ट हुआ और एक पूरे शहर को अपने अंदर लेकर नेक्स्ट प्लीज। मेरे ख्याल में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस स्लाइड के आगे। शायद ने फिर कहा कि गुलाब का नाम गुलाब लो उसका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। ये कैसी स्लाइड है जिसमें तारुफ जमीन से आग निकल और यही वो फेनोमेना है जो मैं आपसे कहता कि थर्मल एनर्जी जो डायनेमो है वो सब चीज कंट्रोल कर रहा है अर्थ के ऊपर। न सिर्फ आज बल्कि आज से 4500 मिलियन